नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में उच्च माध्यमिक हिंदी क्लास 12 सजेशन 2024 के तहत MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे, कविता समय के ढेर पर। तो चलिए, जिन्होंने इस पार्ट को पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया इस पार्ट को, वो उत्तर दें, और जिनको नहीं वो सुनकर भी याद कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र पर लगातार कोई .. पंक्ति को पूरा कीजिए। उत्तर, एक छाया उतरनी चाहिए, एक छाया पढ़नी चाहिए, एक छाया पांव धरता है, एक भाव उतरता है। उत्तर, एक छाया पांव धरता है। पूरा हुआ, मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पांव धरता है। अगला प्रश्न है, और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है, किस कविता का अंश है? समय के ढेर पर, हो गई है पीर पर्वत सी, संध्या सुंदरी, आकाश वाली सभ्यता। उत्तर, समय के ढेर पर। कवि को किससे डर लगता है? डायल से, कांटे से, घड़ी से, घड़ी की तेज आवाज से। उत्तर, घड़ी की तेज आवाज से। एक टूटती देह में कैद की है, किस कवि की रचना है? दुष्यंत कुमार, गिरजा कुमार माथुर, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर, गिरजा कुमार माथुर। ढेर ढेर ही इकट्ठा हुआ, सही शब्द चुनिए। पीड़ा, सांस, कूड़ा, रक्त बूंद। उत्तर, कूड़ा। ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। समय के ढेर पर किस कवि की रचना है? प्रसाद, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर। उत्तर, गिरजा कुमार माथुर। समय के ढेर पर किस कोटि की रचना है? छायावादी, प्रयोगवादी, क्षणवादी, भोगवादी। उत्तर, क्षणवादी। गिरजा कुमार माथुर किस युगधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, प्रगतिवाद। गिरजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक प्रथम, तार सप्तक द्वितीय, तार सप्तक तृतीय, तार सप्तक चतुर्थ। उत्तर, तार सप्तक प्रथम। इसी के साथ गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता समय के ढेर पर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ 2024 के लिए पूरा हुआ। उम्मीद है ये आपके काम आएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके चाहें तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।